हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आपको स्वागत है क्रिकेट विद शत्रुघ्न चौबे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं हुगली रिवर्स वर्सेस मनबम वॉरियर्स के बीच में होने वाला है 27th T20 मैच के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये मैच भारत के टाइम के अनुसार 9:45 होने वाला है और ये सारे मैचेस बंगाल क्रिकेट अकेडमी कल्याणी ग्राउंड में खेला जाएंगे। अगर लीग की बात करें तो फ्रेंड्स, लीग का नाम है बाइजस बंगाल इंटर डिस्ट्रिक्ट T20 लीग। तो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, आपको विकेट कीपर्स हैं, बैट्समैन है, ऑलराउंडर है और यहाँ पर बॉलर्स है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुल मिला के आपको यहाँ पर 50+ प्लेयर्स मिलेंगे। इसमें ना हम लोग फ्रेंड्स टॉप 11 प्लेयर्स को पिक करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये कोई मुश्किल का काम नहीं होने वाला है, बहुत आसान होगा। फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना, मुझे फॉलो करना, मुझे फॉलो करते आपको यहाँ पर टॉप 11 प्लेयर्स मिल जाएंगे। टॉप 11 प्लेयर्स को लेकर किसी भी लीग, स्मॉल लीग हो, ग्रैंड लीग हो, हेड टू हेड हो, मिनी ग्रैंड लीग हो, जो भी लीग आप खेलना चाहोगे, मैं 100% गारंटी देता हूँ आप इजीली जीत जाओगे। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और पूरे एंड तक देखना फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी लीग जीतना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक और काम करना है फ्रेंड्स, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अगर लिंक ओपन नहीं होता तो टेलीग्राम पे जाके इस तरह सर्च करना, क्रिकेट विद शत्रुघ्न चौबे, क्रिकेट विद SC, सर्च करते ही मेरा चैनल हो जाएगा फ्रेंड्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1420 सब्सक्राइबर्स है, ये मेरा रियल चैनल है फ्रेंड्स। जो 1400+ आपको सब्सक्राइबर नज़र आएंगे वो मेरा रियल चैनल है। एक और चैनल है फ्रेंड्स, वहाँ पर 13,000 सब्सक्राइबर्स है, वो मेरा चैनल नहीं है, वो फेक चैनल है। अगर वहाँ पर ज्वाइन करोगे तो फ्रेंड्स आपको पेटी मिलेगा, वो एकदम फेक है फ्रेंड्स। अगर रियल चैनल को ज्वाइन करना तो फ्रेंड्स यही है मेरे चैनल, ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फ्रेंड्स, आप आ गए यहाँ पर, किस विकेट कीपर को लेना चाहिए? तो फ्रेंड्स, विकेट कीपर को यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर विकेट कीपर को, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं विकेट कीपर, यहाँ पर मैं दो ही विकेट कीपर का नाम लिखा हूँ। यहाँ पर पहला प्लेयर है दीपक प्रसाद और विकास कुमार दास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दीपक प्रसाद की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर 4 रन 28 रन और यहाँ पर एक मैच नहीं खेले, और विकास कुमार दास की बात करते हैं 2 रन और 22 रन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दोनों की देखा जाए तो ओवरऑल ऐसे ही सेम टू सेम है फ्रेंड्स यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आप विकास कुमार दास को ले सकते हो, नहीं तो दीपक प्रसाद को भी ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग दीपक कुमार प्रसाद को लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक विकेट कीपर को मैंने पिक कर लिया। अब आगे यहाँ पर किस बैट्समैन को लेना चाहिए? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बैट्समैन की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, पहला बैट्समैन है सोनू नारायण नौबाग। अगर इनकी बात करें तो HOR के लिए खेलते हैं हुगली रिवर्स के लिए, 34 रन और 20 रन बनाए। उसके बाद यहाँ पर रीतम पोरेल की बात करें तो 20 रन 18 3 46 और 33 रन बनाए। उसके बाद यहाँ पर सचिन कुमार यादव की बात करें तो लास्ट मैच में इनको 2 विकेट मिला फ्रेंड्स। उसके बाद अर्नब कुंडू की बात करें तो 5 रन और 3 रन है, और गौरव गुप्ता यहाँ पर 16 रन और 25 रन बनाए फ्रेंड्स यहाँ पर। राणा अधिकारी की बात करें तो 1+0 विकेट और 45 रन और 2 विकेट है, राणा अधिकारी को आप कन्फर्म कीजिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर संजय माहतो की बात करें तो 21 रन और 1 रन बनाए। उसके बाद यहाँ पर अनिरुद्ध अधिकारी 15 रन बना के आउट हो गए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखा जाए तो बैटिंग में यहाँ पर सोनू नारायण नौबाग को आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, उसके बाद रिटर्न पोरेल को यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो, सचिन कुमार यादव को चाहे तो ले सकते हो आप, उसके बाद गौरव गुप्ता को आप अवॉइड कीजिएगा फ्रेंड। उसके बाद यहाँ पर राणा अधिकारी को ले सकते हो, राणा अधिकारी अगर बैट्समैन पर नहीं है तो ऑलराउंडर पर जरूर आपको मिलने वाला है, तो उसके बाद संजय माहतो को आप अवॉइड कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर राणा अधिकारी आप देख सकते हो बैट्समैन पे है, सोनू नारायण है फ्रेंड्स यहाँ, और रिटर्न पोरेल है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट 3 बैट्समैन जो मैंने बताया वही यहीं पर मिल गया, अब वो 3 बैट्समैन काफ़ी है फ्रेंड्स यहाँ पर। अगर ऑलराउंडर्स की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑलराउंडर्स का भी मैं स्टार्ट्स लिख के रख चुका हूँ। पहला ऑलराउंडर है सुब्रज्योति दास, अगर इनकी बात करते हैं यहाँ पर हुगली रिवर्स के लिए खेलते हैं, 5 रन और 20 रन बना के आउट हो गए। अभिजीत माल की बात करें तो फ्रेंड्स 53 रन 1 विकेट, 10 रन 1 विकेट, 2 विकेट और 0 विकेट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभिजीत माल को 100% आप कंफर्म कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अर्नब नंदी की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर 4 रन 2 विकेट 1 विकेट, 59 रन 3 विकेट, 44 रन 1 विकेट, 10 रन कोई विकेट नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अर्नब नंदी भी आप यहाँ पर इनको ट्राई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभिजीत माल और अर्नब नंदी भी दोनों को ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर रोनित घोष की बात करें तो 2 रन बना के आउट हो गए, और सौरव दे यहाँ पर मनबम वॉरियर्स के लिए खेलते हैं, 6 रन कोई विकेट नहीं, 0+0 विकेट है। उसके बाद विष्णु बोरी 4 रन कोई विकेट नहीं, 0+1 विकेट है। उसके बाद मुस्तफ़ा अंसारी यहाँ पर 8 रन और कोई विकेट नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभिजीत माल और अर्नब नंदी को आप यहाँ पर, ये दो ऑलराउंडर आपको काफ़ी है, दूसरों को अवॉइड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो अभिजीत नंदी है फ्रेंड्स यहाँ पर, और उसके बाद अभिजीत माल है फ्रेंड्स यहाँ पर, अर्नब नंदी और अभिजीत माल, ये दो ऑलराउंडर आपको काफ़ी है फ्रेंड्स यहाँ पर, दूसरे को लेने की जरूरत नहीं। आप चाहे तो सुब्रज्योति दास को आप चाहे तो ले सकते हो, सौरव दे फ्रेंड्स आप इनको भी ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये दो ऑलराउंडर आपको काफ़ी है। अब आ गए यहाँ पर गेंदबाजों की फ्रेंड्स, यहाँ पर गेंदबाजों की बात करते हो, आपको बेस्ट बॉलर्स में देने वाला हूँ।
तो यहाँ पर गेंदबाजों की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर स्टार्ट्स लिख के रख चुका हूँ। पहला प्लेयर है दुर्गेश दुबे, अगर इनकी बात करें तो जीरो विकेट, एक विकेट और जीरो विकेट। लास्ट 5 मैच में इनको ओनली 2 ही विकेट मिला फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। जाहिर खान एक मैच खेले, इनको 3 विकेट मिला फ्रेंड। उसके बाद यहाँ पर रविकांत सिंह, यहाँ पर 0 विकेट 2 विकेट 0+2 विकेट 2 विकेट और 0 विकेट है, 2 मैच में विकेट नहीं मिला। उसके बाद और बाकी जो 3 प्रीवियस मैच है उनमें 6 विकेट मिले फ्रेंड। सौम्या पकरे की बात करते हैं, 2 मैच खेले, 4 विकेट लिए। उसके बाद यहाँ पर अशरफुल अंसारी, यहाँ पर 11 रन कोई विकेट नहीं, 4 रन कोई विकेट नहीं। उसके बाद यहाँ पर विक्रम गौराइन, यहाँ पर एक मैच नहीं खेले, 0+0 विकेट है। राम परवेश प्रसाद, यहाँ पर 2 मैच खेले, 1 विकेट लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सौम्या पकरे, रविकांत सिंह, जाहिर खान को आप ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप राम परवेश प्रसाद को आप ले सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पकड़े हैं फ्रेंड्स, इनको मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद देखा जाए तो फ्रेंड्स आर खान है, एसोसिएशन है, तो यहाँ पर विक्रम गौराइन को आपको लेना है फ्रेंड्स यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर एक बैट्समैन को आप यहाँ पर ऐड करना है फ्रेंड्स आपको, ये खान। तो यहाँ पर देखा जाए तो MAW की प्लेयर्स को कोई नहीं, गौरव गुप्ता को एक प्लेयर को आप पिक कीजिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर। आप चाहे तो एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर पर भी जा सकते हैं, लेकिन ऑलराउंडर की स्टैट्स इतनी खास नहीं है, लेकिन यहाँ पर विक्रम गौरी को मैं ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आर सिंह है फ्रेंड्स, इनको मैंने ले लिया। उसके बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स एक मेरा टीम बन गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 7-4 मैं रखा हूँ यहाँ पर। अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर एमाल आपको बेस्ट ऑप्शन है, अर्नब डंडी आपको वाइस कैप्टन के लिए और अच्छे पिक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर विकेट कीपर में यहाँ पर डी प्रसाद है। उसके बाद यहाँ पर बैट्समैन में आर नारायण है फ्रेंड्स यहाँ पर, WFRL है गौरव गुप्ता और अधिकारी है फ्रेंड्स यहाँ पर। ऑलराउंडर्स में ए माल, अर्नब नंदी, बी बौरी है। उसके बाद यहाँ पर बॉलर्स में पकरे, आर सिंह और यहाँ पर विक्रम गौराइन है फ्रेंड्स यहाँ पर। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए यहाँ पर ए माल और यहाँ पर अर्नब नंदी को मैंने पिक किया। तो फ्रेंड्स एक बात समझ लेना, ये कोई मेरा फाइनल टीम नहीं, फिर से मैं बता रहा हूँ। इसमें अगर एक भी प्लेयर मिस होंगे तो आपको मिस हो सकता है, तो आपको प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको मैं अभी भी बता रहा हूँ, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को विजिट करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। 1420 सब्सक्राइबर्स है फ्रेंड्स, आपको इस तरह फाइनल टीम मिलेगा, आप यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर। तो देख सकते हैं सारे इन्फॉर्मेशन मैं टेलीग्राम पे देता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर। अगर वीडियो नहीं दे पाता तो आपको इस तरह मैं स्टैट्स लिख के दे दूँगा। तो यहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना फ्रेंड्स, कौन सा मैच आपको चाहिए, सारे वीडियो भी देता हूँ, स्टैट्स भी प्रोवाइड करता हूँ फ्रेंड्स। एक भी प्लेयर को मैं नहीं छोड़ा अभी तक, देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर पूरे टीम्स के बैठ के स्टैट्स मैं कवर करता हूँ। तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, फाइनल टीम आपको यहीं पर मिलने वाला है। लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो फ्रेंड्स वो भी है, वो भी देख लेना आपको यहाँ पर, आपको मैं बताने वाला हूँ वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिख के रखा हूँ मैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये 27 T20 मैच है बाइजूस बंगाल इंटर डिस्ट्रिक्ट T20 लीग का, और ये मैच 8:45 होने वाला है, और ये सारे मैचेस बंगाल क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड कल्याणी वेस्ट बंगाल इंडिया में खेला जाएंगे। अगर यहाँ पर पिच की बात करें, बॉलिंग के लिए फेवरेबल है, 109 से 120 रन तक बन सकता है, और यहाँ पर हैवी इंटेंसिटी रही है फ्रेंड। जो लास्ट 3 मैचेस हो रहे हैं फ्रेंड्स, वो तीनों मैच कैंसिल हुआ है, और ये मैच भी कैंसिल होने की हाई चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर बारिश हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर टेम्परेचर 21.41 डिग्री सेल्सियस होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो हुगली रिवर 2 मैच खेले, दोनों मैच जीत गए। मनबम वॉरियर्स यहाँ पर 2 मैच खेले और दोनों मैच हार गए। एक्चुअली दोनों टीम ने 3-3 मैचेस खेले फ्रेंड, और 3 में लास्ट 1-1 मैच यहाँ पर दोनों टीम के लिए कैंसिल हुआ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हुगली रिवर ने 3 मैच खेले, इसमें दोनों मैच जीत गए, और जो लास्ट मैच खेलना था फ्रेंड वो बारिश की वजह से कैंसिल हुआ था। उसके बाद यहाँ पर मनबम वॉरियर्स ने भी 3 मैच खेले, इसमें 2 मैच हार गए, 1 मैच बारिश की वजह से कैंसिल हो गया। तो फ्रेंड आई होप मैंने सारा इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना फ्रेंड्स। थैंक यू।